हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज हम यूनिट टू करने जा रहे हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। और उम्मीद है यूनिट फर्स्ट आपको पसंद आई होगी और आपने लेट्स टॉक यानी कि बातचीत करना स्टार्ट कर दिया होगा इंग्लिश में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मीटिंग्स एंड ग्रीटिंग की। तो मीटिंग एंड ग्रीटिंग का मतलब क्या है? तो मीटिंग मतलब हो गया मिलना और ग्रीटिंग्स का मतलब हो गया अभिवादन। हिंदी में प्रायः हम जब किसी से मिलते हैं तो नमस्कार या नमस्ते प्रणाम कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में आप कभी भी किसी से मिलते हैं तो अलग अलग समय के लिए अलग अलग जो है वाक्य हैं, ठीक है। तो इनको आज हम समझेंगे कि जब भी आप किसी से अलग अलग टाइमिंग मिलेंगे तो उसको किस तरह से ग्रीटिंग्स देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सुबह किसी से मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है। तो वो उससे मिलने पे डिपेंड करता है कि अगर आप अपने कलीग से मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग रोहित या उसका नाम ले सकते हैं, या अगर किसी अननोन पर्सन से ऐसे आपको कुछ काम है ग्रीटिंग करनी है तो आप उससे सर या मैम कह सकते हैं। ऐसे ही अगर दोपहर में मिल रहे हो तो बोले गुड आफ्टरनून, अगर शाम को मिले तो गुड इवनिंग, अगर रात को मिल रहे हो तो क्या कहेंगे? उस समय भी गुड इवनिंग बोला जाएगा, लेकिन विदा लेते समय आप बोलेंगे गुड नाइट जब आप जा रहे हो, ठीक है। तो ये है कुछ ग्रीटिंग्स के रूल। और अपने पास बैठे हुए किसी को भी अपना पार्टनर बनाइए और एक दूसरे के साथ बारी बारी मिलना एंड बाय बोलना इंग्लिश में प्रैक्टिस करें, ठीक है, सुबह दोपहर में शाम में और रात में। तो दोस्तों, ये जो मेरा कोर्स है मेनली मैं पूरे बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। पहले दिन हमने लेट्स टॉक स्टार्ट किया था, आज मीटिंग एंड ग्रीटिंग्स है। तो वन बाय वन हम जैसे जैसे यूनिट आगे को पढ़ते जाएंगे और आप में भी अपनी एक सुधार देखने को मिलेगा अपने अभ्यास में जरूर। और ये थोड़े से प्रिकॉशंस है या कहीं कहीं मैनर की बात जो होती है, जब आप किसी से मिलते हैं पर आपके चेहरे पे कोई उत्साह नहीं होता, आंखों या व्यवहार में जिससे क्या थकान होती है, तो वह गलत होगा और इसका असर आपकी मुलाकात के अंजाम पर भी पड़ता है। तो जब भी आप किसी से मिलें तो खुश मिजाज होकर मिलें और खुद हाथ बढ़ाने से न हिचकिचाएं, ठीक है। तो ये था कुछ एक इसमें जो ब्रीफ आप हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ वीडियोज की ओर जो हम इसमें देखेंगे आज के लेसन के वीडियोस। हाय, I'm Ramesh. I come from Patna. Hi, my name is Sriram and I am from Bangalore. Glad to meet you. It's nice to meet you too. तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जब दो अनजान लोग मिल रहे हैं तो उनके बीच बातचीत हो रही है। एक बार और देखिए आप कुछ सेकंड। Hi, I'm Ramesh. I come from Patna. Hi, my name is Sriram and I am from Bangalore. Glad to meet you. It's nice to meet you too. तो देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आप देख पा रहे होंगे और इसके आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ऐसे एक और वीडियो है। Hi Bharat, how are you? Hi Sheila, I'm fine, thanks. How are you? I'm fine too, thanks. तो देखिए जब आप किसी का हालचाल पूछ रहे हैं अंग्रेजी में तो किस तरह से पूछेंगे? Hi Bharat, how are you? Hi Sheila, I'm fine, thanks. How are you? I'm fine too, thanks. तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये यूनिट भी पसंद आई होगी और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज आप लोगों की तो मुझे ज़रूर पूछेगा। और कोर्स कैसा लग रहा है? अभी स्टार्टिंग है कोर्स की, तो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो एडवांस लेवल में भी हम जाएंगे, क्योंकि पूरे चार मॉड्यूल मैंने आप लोगों को कराने हैं और उन मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप अपने आप को किसी भी इंटरव्यू में फेस कर पाएंगे, कहीं पर भी इंग्लिश में कहीं कोई भी झिझक आपको नहीं होगी बोलने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।